This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content नाजरीन वेलकम टू द तो मार्केट शो मैं हूं अली नासिर आज जिस मौजू के ऊपर नाज्रीन गुफ्त करेंगे वो है बलूचिस्तान रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का उसका बजट 2016-17 का और उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि अहमियत रखती हैं आपको पता होगा कि हमारे इसी पैक का ईस्टर्न कॉरिडोर भी माजरत वेस्टर्न कॉरिडोर भी जो है वो भी वहाँ से गुजर रहा है और उसका बड़ा वास्ट एरिया है बहुत तरक्याती काम हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर मुस्तबिल में भी ऐसा कहा जाता है गेट वे टू वर्ल्ड बन जाएगा ये अगर सी पैक को उस तरह से हम लेकर चलेंगे ट्रेडिशनल सिल्क रूट को अगर दोबारा से रे इन्वेंट किया तो मेरे साथ बड़े ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तु होंगे उनका तार्क कराता चलूँ बारहा प्रोग्राम में हमारे तशरीफ़ लाते हैं जनाब सरदार शौकत पोपल जई साहब प्रेजिडेंट हैं बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के सर आपको वेलकम करूँगा वैसे तो अब आपको तारुफ़ कराने की कोई हमारी ज़रूरत नहीं thank you, है क्योंकि आप टेलीविज़न के ऊपर मेरे ख्याल मेरे जितना ही आए हैं अच्छा यहाँ पर मैं चाहूंगा कि थोड़ी हाई आप हमें ज़रूर बताएं क्योंकि बजट से कुछ तो थी आपने मैंने एक प्रोग्राम इससे पहले भी किया था बजट से पहले और फिर आपके साथ वादा था कि बजट के फौरन बाद भी आपके साथ प्रोग्राम करेंगे ताकि तो और जो दरअसल हकीकता हासिल हुआ उसमें क्या फ़र्क है तो सबसे पहले मैं शुमारियात का जिक्र करने से भी पहले मैं चाहूँगा कि आपको मौका दूँ कि आप इस बारे में गुफगू करें माशा एक तो जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की कि बड़ा क्रूशल टाइम था इस कोलेशन गवर्नमेंट के लिए और पर्टिकुलरली चीफ मिनिस्टर नवाब ना जैली के लिए कि कोई दो माह पहले जो वहाँ पर क्राइसिस बनी दैट वाज रिलेटिंग टू करप्शन उसमें एडवाइज़र फाइनेंस और सेक्रेटरी फाइनेंस दोनों ट्रबल में आ गए तो बहुत सी अखबार ने बहुत से एनालिस्ट ने वो डाउट्स अपने देना शुरू कर दिए कि पता नहीं बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो अपने बजट बना भी सकेगी या नहीं बचा सकेगी मैं इस पर बड़ा कॉन्फिडेंट था <coughs> क्योंकि नवाब सना जहरी चीफ मिनिस्टर अभी बने ये आ, बीस पच्चीस साल से पॉलिटिक्स में और सेवरल टाइम्स बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज इनके पास रहीं पोर्टफेलियर्स रहे, रहे। तो इतने प्रोसेस में निकल के अलमदल्ला इस बजट को मैंटेन करना इस बजट को ऑर्गेनाइज करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था एक कॉन्फिडेंस था मुझे इस पे पूरा कॉन्फिडेंस था अलहमद और फिर आ, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये इस गवर्नमेंट इस का इस कोलेशन गवर्नमेंट का दिस इज द फोर्थ बजट एक्चुअली फॉर दिस पीरियड ऑफ द पोलिटिकल गवर्नमेंट पहले ढाई साल डॉक्टर मालिक ने लगाए अब ढाई साल इनके हैं तो ऑल टूगेदर दिस इज़ द फोर्थ बजट एन आई कंसिडर दिस टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग एलेक्शन दिस इज़ एक्चुअन बजट क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आप बजट देंगे वो लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेगा उन पोलिटिकल पार्टीज के लिए जो कोल्यूशन गवर्नमेंट के अंदर हैं और वो आगे चलेंगे अभी बलूचिस्तान के बजट को नहीं तीनों बजट्स को आप जो के पी के पंजाब और सिंध को उनको आपको फॉलो करना होता है फेडरल बजट के बाद कि वो अपनी फेडरल रिस या फेडरल जो इनपुट है उसको लेके और फिर अपना अगर डिफिसिट है या सरप्लस है उसको लेके हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज एंड आई वाज अमेज मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो फिगर कन्आफ साहब ने अपनी स्पीच में दिए और जो जिस किस्म की उन्होंने इनपुट दिया कॉन्फिडेंस दिया मैं मैं अप्रिशिएट करूंगा और उनको मुबारकबाद दूंगा और उनकी गवर्नमेंट को भी मुबारकबाद दूंगा फ्रॉम इकोनॉमिक परस्पेक्टिव कि दिस इज़ वेल थॉट वेल वेल प्रिपेयर्ड एंड पीपल ओरिएंटेड एंड प्रोविंशियल ओरिएंटेड बजट तो मैं कुछ इसके नुकात आपको बताता फिर आप उसको डिसाइफर कीजिएगा ये 289 बिलियन रुपीस का तकरीबन का बजट है बलूचिस्तान का 16-17 का और उसमें डेफिसिट जो है 36 अरब रुपयों से थोड़ा सा ज़्यादा का है इस बजट के अंदर जो है नॉन डेवलपमेंट जो बजट है उसको एक्सपेंडिचर जिसे आप कह लीजिए 218 अरब रुपयों का है और बाकी जो है वो ए की तरफ जाएगा जो कि तकरीबन इकहत्तर अरब रुपये है यह ए डी पी उनका जैसे आपका डेवेलमेंट प्रोग्राम है पी मेरे ख्याल कुछ डी एस डी पी का जी जी, जी वो जी। तरकी आती जिसे आप कह लीजिए अच्छा दस फीसद वही मुलाजमत जो सरकारी मुलाजमत करने वाले हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा और कुछ मज़ीद नौकरियाँ क्योंकि वहाँ पर नौकरियों की तादाद नस्बता कम होती है लेकिन कहते हैं काफ़ी एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉज अच्छा इसके साथ साथ जो सिलसिला है वो ये है कि बलूचिस्तान में कोयटा शहर की तरक्की के लिए कुछ काम किए जाएंगे। वहाँ पर भी शायद ग्रीन बस शुरू की जा रही है ऐसा बताया जा रहा है इसमें उसके लिए दो अरब रुपये रखे जाएंगे इस माजरत एक अरब रुपया रखा जाएगा और ए, दो अरब जो हैं वो कोयटा की मास ट्रांज़िट ट्रेन के लिए भी रखे जाएंगे कोयटा में पानी के लिए और इसके अलावा जो है दीगर और तरक़्ियाती मनसूबों के लिए जिसमें ब्यूटिफिकेसन वगैरह भी है आधा अरब उसमें भी है और गवादर के लिए भी बहुत सारे काम हैं तो ये उसमें शामिल है कुछ अहम चुनिंदा नुकात आपको मैंने पेश किए हैं और एनिमल हस्बेंड्री लाइफ स्टॉक के लिए तीन अरब रुपए रखे गए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर सात आचार्य चार अरब रुपयों का जो है वो बेनिफिशरी होगा ये मैंने चंद नुकात आपके सामने रखे हैं अभी और भी मजीद हैं जिनके बारे में बात करेंगे इसको थोड़ा डिसाइफर कर लें काफ़ी लोगों का काफ़ी अरसे से ये जो है वो शिकायत रही है कि कोयटा शहर में तरक्की तेज़ी से होनी चाहिए बाकी सूबाई दारुल हुकूमतों के अंदर जो है बड़ी तेजी से तरक्की हुई कोयटा शहर को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए कितना पैसा खर्च होगा इस में बारे में तो। बात आपने फिगर्स तो बता दिए मुझे अब उसके अंदर जो दो तीन चीजें जो मैं इकोनॉमिक फोरम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा हमने तमाम सक्सेसिव गोप्रेस किया कि बजट है कि देखें जैसे जैसे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को रिलीज कर रही है इंटरनेशनल uh, जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं जो डेट कमिटमेंट्स हैं तो ये आपके ऊपर आएगा प्रेशर एंड यू हैव टू फाइंड एन ऑल्टरनेट वेज टू रेज मनी फॉर योर सेल्प दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस वंस देन अंडर डेवोल्यूशन अंडर एटीन अमेंडमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर वेरी मच इन पावर्ड टू लुक बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री दे कैन गो स्क फॉर मल्टी लेटरल इकनॉमिक असिस्टेंस देन गो दे केन साइन एग्रीमेंट्स फॉर फॉरन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है ये बिल्कुल क्लियर है एटीन uh, अमेंडमेंट के अंदर और मैं उसको कहता रहा और तो नवाज साहब ने एक दफा मैंशन कर दिया कि जी बलुचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो फॉरन इकनॉमिक असिस्टेंस की तरफ भी देखेंगे दिस इज वेरी पॉजिटिव hmm. और मैं समझता हूँ कि बहुत से कंट्रीज जो हैं जो बलूचिस्तान की तरफ आना चाह रहे थे वो बड़े अप्रीहेंसिव होते थे ऑफ एंड ऑन हम लोगों के विजिट्स रहते हैं या डिस्कशन होती तो बड़े अप्रीहेंसिव रहते थे, 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 थे कि शायद प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फॉरन असिस्टेंस लेना नहीं चाह रही या फेडरल गवर्नमेंट उसको रोकती है पर्टिकुलरली uh, uh, ब्रदर आपको एक चीज वाज रखनी चाहिए कि बलूचस्तान का बजट जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बजट है वो इसलिए एक तो ये फोर्टी सेवन परसेंट ऑफ द कंट्री है फिर जो रीजन में जियो इकोनॉमिक गेम हो रही है जो जियो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक गेम है वो बलूस्तान के बजट पे बड़ा डिपेंड करता है बलुचस्तान का बजट जो है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा जिसमें सिपेक को सपोर्ट मिलेगी बलुचस्तान अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरलैंड ग्वादर में डेवेलप करता है अल्टीमेटली सिपेक को सपोर्ट होगी तो वो जो एक गवर्नमेंट जो है जो उस सिपेक को बनाना चाह रही है उनमें बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी सीरियस है इस मैटर हाँ, के ये असल में ये एक चीज़ है जो हमेशा मैं बड़ा तलब इसे समझता हूँ कि बात हो रही सी की और सीपे से ज़ाहरी बात है के लिए तरक्की राहें खुलेंगी पाकिस्तान के लिए तरक्की राहें खुलेंगी लेकिन बजट्स के अंदर फेडरल में भी और प्रोविंशियल के अंदर भी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि सी पैक के मुतालिक ज़्यादा बात नहीं हुई पूरा साल तो बच्चों के नाम भी सी पैक रख दिए हमने जो बच्चे पैदा हो रहे थे हमारे हस्पतालों के अंदर उनका नाम भी काफ़ी दफ़ा नर्सों को कहा कि भी इसका नाम सी पैक रखते हैं लेकिन जब बजट आया तो हर किसी ने किसी ने बोल दिया किसान का बजट है किसी ने बोल दिया कि ये फलांक का बजट है तो समझ नहीं आई ऐसे लग रहा कहीं से कोई दबाव है क्या कि सी पैक बोलना नहीं है जब मैं ये बात बोलता था तो लोग मेरे ऊपर तोहमत लगाते थे आज जब हुकूमत खुद जो है वो देखें सर सी पैक के हक में ना बोलना भी दरअसल सी पैक के हक के खिलाफ बोलने के बराबर है देखें ना अगर देखें वेन वेन दी अपॉर्चुनिटी अराइजेज एंड यू बिकम न्यूट्रल और इन डिफरेंट दैट मीन्स अ प्रॉब्लम ना सारा साल आप कहते रहे बच्चे की शादी करानी बच्चे की शादी करानी जब लड़की देखने के लिए गए तो आप उनसे जाके जो है वो मिठाइयों के दाम पूछना शुरू हो गए और खाने के जायके के बारे में बात शुरू कर दी तो लड़का बेचारा पूछता रह गया कि मेरा तो रिश्ता होना था मेरा तो सीपेक होना था ये मेरे साथ क्या हो गया कहीं मेरा जिक्र ही नहीं आ रहा बजट के अंदर ये क्या माज रहा है इसके बारे में थोड़ा सा इसके लिए मैं ऑफ एंड ऑन क्रिटिसिज्म तो नहीं लेकिन मैं चीजें स्पेल आउट करता हूँ ये थोड़ी सी जो लोग सीपेक को देख रहे हैं जो फोकल पर्सन जिसमें इकोनॉमिक अफेयर्स प्लानिंग कमीशन है फेडरल गवर्नमेंट uh, का ये उनको कसूरवार ठहराना चाहिए अभी मैं दो तीन चीज़ें वाजे करूँ आपको कि सिपेक में जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा स्क्यूजन आपको लग रहा है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इतनी अटेंशन नहीं लग रही तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स ऑफ पब्लिक ऑफ चाइना क्योंकि उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट ग्रांट में कन्वर्ट कर दिए हैं कर दिए हैं तो जब ग्रांट पे कन्वर्ट करेंगे तो आपको ना एक्साइटेड होने की जरूरत है ना उस पर इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत है क्योंकि

in in Baluchistan and other cities except I don't know whether it's even got main, quite. Main a Balochistan ka apko batao as far as telecommunication is concerned. Baluchistan has a robust uh, really uh, infrastructure there. Ye logon ko nahi malum lekin Haan, main bata. mujhe bataye na. आप देखें जो जितनी सेल कंपनियां बड़ी vibrant तरीके से वहाँ पे हैं, हैं। PTCL पी टी सी एल ने बड़ा मैसिव नेटवर्क वहाँ पे बनाया हुआ अब उसकी आई वॉन्ट लूज द सिग्नल एनी वेर इन

वो उसकी कॉस्ट को कवर करेगा yes. ठीक एक चीज इस बजट में जो मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैं दुआ करता था एक्सपेक्ट करता था hmm. लेकिन बलूचिस्तान की इकोनॉमिक्स जो है वो सिक्सटी सेवन परसेंट एग्रीकल्चर पे रियली really? और इस दफा फेडरल गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा अटेंशन जो है अपने बजट में मतलब hmm. तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर ये एग्रीकल्चर hmm. को बहुत ज्यादा अटेंशन दी है तो पर्टिकुलरली टू टूर्ड्स पंजाब सेम शुड बी इन बलूचिस्तान तो 7.4 बिलियन जो है ठीक है वो आपको बड़ा छोटा लगेगा छोटा हाँ। हाँ। लेकिन मेरी नजर में इट्स इट्स क्वाइट अनाफ लेकिन अब उसके अंदर उन्होंने करना क्या देखें अभी बलूचिस्तान एज वाटर डेफिशेंस ठीक है आप डोमेस्टिक के लिए नवाब साहब ने कहा कि जी वो गवर्नमेंट कह रही है हम लोग कोयटा hmm. को जो है जो वाटर स्केसिटी है उसको थ्रू चैनलाइज कर रहे हैं उसको वेरी गुड बट द फर्स्ट थिंग इज कि आपने चैनलाइज कर लिया यू हैव टू सी कि आप इकोनॉमिक्स में कितना आ अरेंज कर रहे हैं उसको सही यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपसे सबको बड़ा सवाल ऐसा है जो अभी मौजूदा दौर का नहीं जफरल जमाली साहब हो सकता प्रोग्राम भी देख रहे हो इनका दौर गुजरा वज़ी अजम रहे ये जो सदर्न फ्रेंच है ना सिंध बॉर्डर के साथ बलुचि की ये भी बलूचिस्तान का ही हिस्सा है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं देखने वाले हैं बड़े पुराने आप बताए तारीख़ी तल्लुत हैं तो ये जो हिस्सा है इसकी तरक्की के बारे में यही नसीराबाद जाफ़राबाद वग़ैरह ये वो लोग बोलते हैं यहाँ तरक्की वज़ी अजम आपका वहाँ से रहा है डिप्टी चेयरमैन सैनेट आपने रखा है चेयरमैन सैनट तो नहीं लेकिन आप ऐसा समझ लें कि अगर सुमरो साहब को भी आप आदा कह दें तो वो भी आप मान सकते हैं क्योंकि जयवाबाद बिल्कुल बॉर्डर पर लगता है उसके तरक्की वहाँ होगी तो वहाँ भी हो जाएगी यहाँ भी नहीं हुई वहाँ भी नहीं हुई उसके मुतल भी कुछ रूरल डेवलपमेंट के अंदर खास तौर पर बिकॉज बलोचस्तानो हैज़ मनी एरियाज़ लोग समझते हैं बलोचस्तान इज़ वन बिग होल दे मेनी मनी पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, यू कम फ्रॉम मतलब योर ट्राइब इज रूलिंग इज़ द रूलिंग ट्राइब ऑफ दून द पख्तूनज ऑल थ्रू आउट वो तो आप बॉर्डरस तो आज बन गए ना लेकिन सैकड़ों सालों से यू you नो know, एक मैं बात कर रहा हूँ इसी तरह जो है वो uh, जो ट्राइबल सिस्टम है जिसके बारे में और आप बहुत दबा बात करते रहें मख्तल लोग मुख्तलि ज़ुबान बोलते हैं तो हम उसके बारे में कोई बात नहीं करते पाकिस्तान में मतलब स्टिल पॉपुलेशन तो है ना अगर एक करोड़ भी है तो बहुत पॉपुलेशन है कितनी है ए, 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 एक करोड़ है बलूचिस्तान की हाँ जी जी, जी अब मेरा ख्याल है अबाउट ज्यादा है सेंसेस अगर होंगे तो ट्वेल्व थर्टीन मिलियन तक आ जाएगा आ जाएगा तो ये बड़ी आबादी है सर जी जी बड़ी आबादी है लेकिन उसको लैंड मास में भी तो कवर करें ना फोर्टी सेवन परसेंट ऑफ दिस कंट्री ओ यस ऑफ कोर्स

बलुचतान में एक बड़ा टिपिकल एक एक इशू है जो मैं आज आपको बयान करने लगाऊँ वो है कि जितने मीर या सरदार या नवाब है वो मुरवत में लिहाज में अपने लिए कुछ नहीं कर सकता ये क्या बात हुई ये ये मैं मैं आपको इकोनॉमिक सेंस में मैं बताने लगाऊँ तो अगर वो अपने लिए करेगा ठीक है हुँ. तो उसका पोलिटिकल रहना में ट्राइबल सिस्टम में आप वो जो मुखालिफ ट्राइब हैं वो कहेंगे जी अपना अपने आप को भर रहे हैं ये पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी कहेगी अपने मैं मैं हकीक़त आपको बता रहा हूँ देखें वहाँ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जो है वो आपकी ट्राइबल स्ट्रेंथ के साथ साथ चलती है बलुस्तान के अंदर इट इज़ अ फैक्ट आप देखें 65 फाइव में कितने ट्राइबल लीडर्स हैं अब बिल्कुल विजिबल है उस चीज़ की अब वो मैं आपकी स्माइल से समझ रहा हूँ कि आप इश्यूज जो हैं आपके पीछे आ रहे होंगे कि भाई इन लोगों ने यही इशू किए लेकिन उसको दो मिनट के लिए आप इकोनॉमिक्स के अंदर दो मिनट के लिए उसको हटा दें लेकिन फिर बंदा वो आज पूछता है ना जस्टिफाई करें हमें वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो सिंध पर भी वैसे हमारे यहाँ लोग शायद ना जानते हूँ लेकिन जो कलहोड़ा हैं और जो अब ऑब्वियसली लोकलाइज नेम तालपुर जो तालपुर हैं अब ये दोनों बिलोच है

कुछ सालों से जो बलूचिस्तान में एक सिक्योरिटी uh, इशू है लॉ एंड ऑर्डर इशू है hmm. तो मेजर चंक जो है वहां भी जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो सिक्योरिटी hmm. के लिए इस्तेमाल होता है विच इज योर यमेंट और अब अगर आप जैसे मैंने पहले अर्ज uh, किया कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज विलिंग एंड हैव द इंटेंशन टू इन्वाइट द फॉरन कम्युनिटी तो फिर सिक्योरिटी तो आपको बहुत अच्छी करनी होगी सिक्योरिटी आपको दी ना पंद्रह हज़ार लोग दिए आपको देखिए वो तो पूरे सिपेक के लिए पूरे बलुचस्तान के लिए तो नहीं है ना पूरे पूरे सिपेक रूट के लिए है तो एफ सी दी आपको नहीं एफ सी तो है लेकिन आ, ले, लेट मी स्पेल आउट देखें ये इधारे स्टेट आ, इदारे जो हैं ये ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी को देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी परस्पेक्टिव को देखते हैं उसमें बॉर्डर भी है उसमें इंटरनल सिक्योरिटी भी ले है लेकिन जब आप बिजनेस सिक्योरिटी के अंदर कर रहे हैं फिर उसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल आ जाता है अच्छा

जो चारों सूबों में हैं उनके लेकिन उससे क्या फायदा होगा कि आपकी जो फेडरल या प्रोविंशल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है उसको रिलीफ मिल जाएगा वो फिर जो माइक्रो लेवल इशूज है सिक्योरिटी उनको हैंडल करने में उनको एड्रेस करेगा छोटी सी एक ब्रेक लेनी है ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बड़े अहम मौजूक के ऊपर गुफ्तगुजारी नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक हमारी गुफ्तु जारी है जनाब सरदार शौकत पोपल सही साहब के साथ ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तू हो रही थी थोड़ी बजट के मुतालिक और आप क्योंकि बड़ी फ्रेंकली बात करते हो कम काफ़ी मरतबा मैं कहूँगा कि आप ऐसी बात करते हैं जो रिवायती गुफ्त से थोड़ी सी हटके होती है यहाँ पर एक और मौजू भी है जो मैं थोड़ा सा छूना चाहूँगा वो ये है कि चाबहार के, के मुतिक बड़ी बातें सुनी हमने हम तो सी पे थोड़ा मुझे नहीं लग देखिए बजट दस्तावेज़ जो कहती है सॉरी मैं पेपर पे जाऊंगा पेपर अगर कहेगी सी पैक सी पैक सी पैक तो मैं कहूंगा पेपर सी पैक है मेन इशू ये है कि अगर चाबहार डेवलप हो जाता है तो ये याद रखें तेरान ट्रेनें पहुंच चुकी हैं वहाँ से वन बेल्ट वन रोड जो है सिर्फ पाकिस्तान नहीं आएगा उनका ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है मैं वैसे आपको बता रहा हूँ There are no enemies and friends. There are no fr friend. There are no enemies in business. There are no friends in business. There's only business. There's only profit. So main issue is How well are we braced? Because we had around 600 million or so dollars to go into Gawadar development. I don't see them in the papers, but I do see some uh, urban development in Gawadar. That I see. That I see. But else I don't see. But maybe it's there.

development. As is for there already. a nearer river? sorry, i'm unaware of the geography. altogether. No no, 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 no. it is same. Wo jo monsoon rivers, and or flooding, jo hoti hai. can we, do, we dig a canal? no, i doubt. the only option you have is to bring water from uh, uh, turbat, that is Mirani dam. that's very far. it is, but obviously uh, uh, you have no option. Uh, agar, sui, se uh, quetta, इतनी लंबी पाइपलाइन आप गैस के लिए लगा सकते हैं तो पानी जहाँ नीड hmm. है बैडली नीड है लाइफ उस पर चार बार से पहले हाँ, मैं हाँ, मैं एक चीज आपको कहूंगा मेरे ख्याल जो पोलिटिकल गवर्नमेंट है उनको अब बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता मैं डेवोल्यूशन को इंप्रेस करूँ बट विद डेवोल्यूशन

मे बी वन और टू डिकेट्स मैं बिल्कुल क्लियर आपको बात खुली बात कर इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड भी है इंफ्रास्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी भी है इंफ्रास्ट्रक्चर में सो मैनी थिंग्स हैं बट यू नीड मिनिमम 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 वन डिकेट टू डू दैट सो वट है रीजन द पॉपुलेशन ऑफ बलुचिस्तान विल बी डी मोर दे कैनॉट वेट दैट लॉन्ग सो यू हैव टू पुट थिंग्स ऑन फास्ट ट्रैक चीफ मिनिस्टर शु टेक फेडरल गवर्नमेंट एंड द सिक्योरिटी ऑपरेटर इन कॉन्फिडेंस कि जी आप मुझे थोड़ा खोला छोड़ दें एंड लेट मी डू एफर्ट्स एंड ब्रिंग इन फॉरेन इंटरेस्ट इन इन बलूचिस्तान ताकि हम लोग भी फास्ट ट्रैक पे चल जाए डू यू थिंक दैट द रोड नेटवर्क इन वुड बी द फर्स्ट स्टेप इज रोड नेटवर्क बिकॉज मेनी पीपल से दैट बलूचिस्तान हैज वन ऑफ द बेस्ट रोड्स इन पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू हाईवेज इट इज लेकिन बलूचिस्तान की बहुत सी रोड्स अंडर यूटिलाइज भी हैं हां ये मेनी रोड्स है अब वो सबसे बड़ा ये फायदा होगा एक्सेप्ट वो जो आपका वेस्टर्न रूट है हुँ. ठीक है और उसके ऊपर जब बनाने में आपको दिक्कत होगी कि आपने बनाना है बाकी तो आपने रोड्स वाइडर हुँ. करनी है रोड तो बनी हुई है बनी वो कोई इशू नहीं है नेशनल हाईवे टू स्ट्रेच एट द इंटरनेशनल लेवल तो वो मैं अर्ज कर रहा हूं कि दो अंगेजमेंट आपकी बहुत जरूरी हैं चाह बाहर का फियर हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए मैं इकोनॉमिक सेंस में बात कर रहा हूं में hmm. जियो स्ट्रेटेजल और सिक्योरिटी परि में बात डज इट फॉल इन टू इज और देखिए उसको एडवांटेज आएगी तो हकीकत मानने वाली बात है hmm. ग्वादर में पानी नहीं है चाह पानी है पानी है ग्वादर में इलेक्ट्रिसिटी इशू है चाह में इलेक्ट्रिसिटी इशू नहीं है ग्वादर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है चाह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम नहीं है तो उनको ये एडवांटेज है इन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का इकोनॉमिक बूम लाने के लिए और फिर हमारे राइवल्स uh, हमारे दोस्त हमारे भाई फिर उनकी जो उनको पुश्त बनाई है वो फिर डबल एज हो जाएगा रोबस्ट हो जाएगा और वो चा बाहर आगे जाएगा लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्वादर की इम्पोर्टेंस है वो टू वरी अबाउट चा ये एक वक्त आएगा ये सिस्टम कंसर्न होंगे देखिए रीजन में चाइना या जितनी रीजनल पावर्स हैं सुपर पावर्स हैं देयर प्राइम नीड इज एनर्जी अच्छा एक एक चीज़ थी मेरे जहन में सॉरी थोड़ा मैं भी डिविएट कर जाऊँ जो स, ये जो चाहबहार के लोग होंगे ये भी बलूची जुबान बोलते होंगे जी हाँ देखिए बलूची और पर्शियन दो हाँ। दो ज़ुबानें बोली जाती हैं इस रीजन के अंदर हाँ। ठीक है ईरान स्ट्रेचिंग पूरा लेकिन वहां पर भी एथनिकली बलूची लोग होंगे जी 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 बिल्कुल रिलेटिव्स हैं आपस में मैं लास्ट टाइम आपको बताया बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता मेरी अपनी ग्रैंड मदर दादी शी वॉज फ्रॉम शीस्तान बलुचि अभी वो तो बिल्कुल है ऐसा आ, कोई चीज नहीं है ये तो, तो लाइन का वो वो तो, तो अफगानिस्तान की तरफ अफगानिस्तान की तरफ दिस इज समथिंग सेपरेट यस तो आपको ये एंगेजमेंट बहुत जरूरी है एंगेजमेंट में क्या होगा कि जितने इंटरेस्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दो कंट्रीज के पाकिस्तान पे होगा देखिए अफगानिस्तान में इकोनॉमिकली वी है लूजिंग एंड हमने उसको प्रोएक्टिव नहीं हुए और दूसरे कंट्रीज के इंटरेस्ट आ गए अब हमें वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जितनी जल्दी हम इनको इकोनॉमिकली एंगेज करेंगे दो कंट्री को हमारा नहीं, जो प्रॉब्लम बैरियर है, इंडिया है ना इश्यू इंडिया, इंडिया के अपने देखिए हम इंडिया ने मैसिव इन्वेस्टमेंट कर दिया के अंदर जिन कंट्रीज ने आ, प्रोग्रेस करना है वो फियर में प्रोग्रेस नहीं कर सकते मैं कम से कम अपने लीडरान से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ए डोन्ट क्रेड अ स्केयर हमें कोई स्केयर नहीं है इंडिया से हमें कोई स्केयर नहीं है चाबहार से से लेट्स टॉक ऑफ इकोनॉमिक्स वो दुनिया में बड़ी गाड़ियां भी बिकती हैं ब्रांडेड जो बड़े नाम की गाड़ियाँ होती हैं जो करोड़ों रुपए की होती हैं वो छोटे चले पर्सपेक्टिव सुन लें पर्सपेक्टिव यहां पर यह है एक खास क्लास का आप पता होगा उनका एक पर्सपेक्टिव है कि जो चा बहार है इधर इंडियन इन्वेस्टमेंट इस वजह से ज्यादा मैसिवली हो रही है ताकि गवादर की डेवलपमेंट को रोक दिया जाए या गवादर की कमर्शियल वायबिलिटी को रिड्यूस किया जाए एज ए पोर्ट यह है उनके जहन में कंटेंशन देर इज नथिंग रॉन्ग द वे कंपीटिंग विद इंडिया ऑन द लेफ्ट वी आर कंपीटिंग विद इंडिया ऑन द राइट कंपीटिंग विद इंडिया एंड अफगानिस्तानो सो प्रॉब्लम हियर व इंडिया टू प्ले बिग ब्रदर एंड लाइक श्योर अबाउट दैट Any economist will not disagree with me what I am going to say now. India's future economics cannot India cannot survive without uh, Pakistan. How India is thinking of becoming, if not one, number two power of the world, economic power of the world. They are competing with China. How they can do without energy? एनर्जी कहां से लाएंगे एनर्जी सेंट्रल एशिया से आएगी एनर्जी अरब वर्ल्ड से आएगी एनर्जी ईरान से आएगी इट हैज़ टू पास थ्रू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान प्राउडली तो हमें किस बात का डर है हमें तो उनको डराना चाहिए कि भी देखो आप आप जितना लूज करोगे प्राइस बढ़ेगी जितना हमें हमें क्रिटिसाइज करोगे हमें तंग करोगे हम ये आपको प्रोजेक्ट नहीं बनने देंगे सर देखें खौफ मैं आपको बताता हूँ खौफ ये है कि हम एक मुल्क पाकिस्तान अपना तशखस देखें अब मैं भी कुछ ऐसी सख्त बात करूँगा हम अपना तशखस खो रहे हैं क्योंकि हमारे हुक्मरान तबका जो है वो इस चीज़ पर तुला हुआ है कि हमारी आइडेंटिटी कुछ ना रहे मतलब टू बी वेरी फ्रैंक एज अ कंट्री इन लोगों ने जाकर हमारे पानी पर सौदा कर दिया किसी एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा ये पूरी क्लास की बात कर रहा हूँ जो एक पाकिस्तान पर आपको पता है जो मुसलत है इन्हें आप जागीरदार कह लें या जो भी चाहें कह लें इन्होंने मुल्क की तमाम चीज़ें वहाँ गिरवी करवा दी शादियों की दावतें करवा ली यहाँ पर उनको मेहमान बुला लिए अवाम के जहन में कन्फ्यूजन है कि कहीं हम अपना नेशनल कैरेक्टर ना खो दें इस चक्कर में हम इतने छोटे वो हो गए कि अब हम बगल बच्चे बनते जा रहे हैं हमने इंडस जिसकी आपने बात की पानी जो है वहाँ से आ रहा है हमने उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर दी हम हर चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं पोपल जही साहब खौफ लोगों को इस बात का आई एम जस्ट गिविंग गिंग काउंटर आर्गूमेंट और यह मैं आपको बता दूं अफसोस ये कि इस्लामाबाद के अंदर कुछ थिंक टैंक बने हुए हैं और उन थिंक टैंक का काम सिर्फ और सिर्फ बिस्कुट खाना और पापे चाय की दावतें करना है और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में उल्टी सीधी बातें करना है इन लोगों के पी एच डी भी जेनविन नहीं है नहीं। और यह कंफ्यूज किस्म की एक अप्रोच दे रहे हैं मुल्क को कभी हेट्रिट की अप्रोच देते हैं कभी एम्बरेस की देते हैं इसमें एक कंफ्यूजन मचा हुआ है और उस एजेंडा सेटिंग के अंदर हम लोग ड्राउन हो गए हैं हम जो एक आम पाकिस्तानी वो आज ये क्वेश्चन करता है यार हम कहाँ जाएंगे मतलब आज अगर ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर आप जानते हैं आज फैसला हो जाए हमारा ना हो उनका हो जाए हम इस पर नाचते रहेगा हमें एम एस सी इंडेक्स में डाल दिए और उनको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप मिल जाए तो आपके ख्याल से हु इज गोइंग टू बी द विनर इन दिस मैं अरे भाई इसकी तमाम सॉरी थोड़ा ज्यादा बोल नो 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 आप बिल्कुल अपनी जगह आपका दुख दर्द जो है मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ वो अपनी जगह है लेकिन देखें अगर कोई चीज़ें गलत हुई हैं तो हम उसका अफसोस लेके अगर बैठे रहेंगे तो हम फिर आगे नहीं चलेंगे मैं आपको चीज़ें बताऊं। अभी जो पाकिस्तान की फेडरेशन की सक्सेस जो है सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की सोच जो है फॉरेन ऑफिस की सोच जो है या जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उनकी सोच जो है मेरी नज़र में उनकी सोच जो है उस पर प्रोविंशल इम्प्रेशन होना बहुत ज़रूरी है जब आप सूबों को ये बोल रहे हैं कि जी अब आपके बजट आपको खुद मैनेज करने हैं आपने रेवेन्यू अपना खुद जनरेट करना है अपनी इकोनॉमिक खुद मैनेज करनी तो सूबे ये भी तो कहें कि जनाब ये बॉर्डर फ्लान कंट्री का मेरे साथ लग रहा है ये आप उनके साथ फैसला करना चाह रहे हैं इसके ऊपर मेरे रिपकर्शन ये हैं मुझे ये नुकसान है आपको ये भी मेरी सोच भी शामिल करनी होगी तो स्टैंडिंग कमेटी बना देना सर स्टैंडिंग बहुत बनी स्टैंडिंग कमेटीज इज नॉट द दल्यूशन मैं आपको बताऊँ मेरे मेरे अपने सूबे की बलुचिस्तान की आई थिंक द चीफ मिनिस्टर हैज टू बिकम टफ इन दैट अभी आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ एम कि वो एहसन इकबाल के साथ लड़े और खड़े हो गए इस्लामाबाद के अंदर दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड फिर वो देखा ना एहसन इकबाल साहब को पूरी फेडरल गवर्नमेंट को फिगर पड़ी और उन्होंने को कन्विंस किया कि नहीं नहीं आप जैसे चाहते हैं हम करेंगे ये दो तीन मरतबे हो जाए फिर मैं भी मैं छोटे लेवल का आदमी पर मैं भी खड़ा हो जाऊंगा कोई इशू नहीं है इसके अंदर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें स्केयर ना करें वी डोंट वॉन्ट एनी फेयर ठीक है बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा फेयर है वो वहाँ की पॉवर्टी है बलूचिस्तान का सबसे बड़ा फेयर उधर की अंडर डेवलपमेंट है ठीक है अभी कितनी अच्छी बात है कि पिछली हुकूमतों में जो प्रोविंशल गवर्नमेंट है और बजट में ये बड़े बड़े फिगर्स जो है वो एम पी एस को देती थी कि जी आपका डेवलपमेंट फंड है वो दैट हैज़ बीन कटेल्ड एंड डन अकॉर्डिंगली ठीक अच्छा, है अच्छा एक सवाल यहाँ तो मिला दूँ इसी के साथ क्या आपके ख्याल से ट्राइबल सिस्ट्र... लोग अमूमन यह कहते हैं कि जो ट्राइबल सरदार है नहीं चाहते कि तरक्की हो लोग परस्परस हो बिल्कुल गलत है ऐसा मैं मैं इसको नहीं मानता हूँ अच्छा। अगर ट्राइबल सरदार ये नहीं चाहता होगा तो ट्राइबल सरदार को प्रोविंशल असेंबली में सेनेट और नेशनल असेंबली में आने की जरूरत नहीं है वो तो उसकी हम्बलनेस है वो तो लोगों को खिदमत कर रहा है देखें हर आदमी हर हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है हर राइटर ने हर मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने अपने अपने पर्सपेक्टिव में लिखा है कि जी फलाना सरदार ये फलाना नवाब ये लेकिन लेट्स टॉक ऑफ ग्राउंड रियलिटीज, लेट्स टॉक ऑफ बलूचिस्तान का क्रेडिट आप नवाबों और सरदारों को दें कि इतनी इकोनॉमिक हार्डशिप्स में उन्होंने अपने अपने ट्राइब्स को चलाया कई ट्राइब्स दो दो तीन तीन लाख पॉपुलेशन के आप पूरे एक करोड़ बीस लाख की पॉपुलेशन के अंदर दो दो तीन तीन लाख के ट्राइब्स के हेड भी हैं वो कभी फेडरल गवर्नमेंट ने उनसे पूछा उनका दुख पूछा कि यार आप अपनी पॉपुलेशन को कैसे रन करते हैं हाउ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड दैम हाउ यू आर प्रोवाइडिंग दैम हेल्थ हाउ यू आर प्रोवाइडिंग दैम एजुकेशन नाउ आई कम बैक दिस बजट इज हिस्टोरिक एंड दिस इज बजट इज इनशाला सोलूशन ऑफ इट आई प्रे एंड आई रिक्वेस्ट ऑल दी कंसर्न क्वार्टर टू सपोर्ट दिस बजट दो तीन चीजें हैं जिससे मैं इतफाक नहीं करता वो नवाब साहब ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बड़ी विजनरी दी जैसे वो एजुकेशन में कंप्यूटर जैसे पंजाब की तरह इधर भी बांटने की कोशिश की हमारी अभी लिटरेसी उस लेवल की नहीं है हमारी एजुकेशन अभी उस लेवल की नहीं है जहाँ तक ग्रीन बस का मास ट्रांज़िट का मेरी नज़र में सूबे को सूबाई हकूमत को अपना पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए बलूचिस्तान का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है बहुत वाइब्रेंट है बलुचिस्तान का ट्रांसपोर्टर वो ईरान को वो सेंट्रल एशिया को वो अफगानिस्तान को भी कैटर करता है एंड दे आर वेरी वेल एस्टैब्लिश आप किसी भी अभी पंजाब में डाइवो चली है आप बलूचिस्तान के ट्रांसपोर्टर्स के आके बसेस देखें आपका दिल खुश हो जाएगा तो मेरी नजर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को इनकेज करना चाहिए आप उनको जो रिलीफ दे सकते हैं थोड़ा बहुत टैक्स में रिलीफ दे सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अपना सही कर सकते हैं उनको उसमें सपोर्ट करें और प्राइवेट सेक्टर को बोलें कि जी आपने जो मैस ट्रांजिट आपने करना है ये नहीं कि आप वो ठीक है पंजाब एक अपना अपने तरीके से इकोनॉमिक्स चला रहे हैं कि उन्होंने ऑरेंज लाइन भी बना ली और वो मास ट्रांजिट सिस्टम भी बना लिया हमारी पॉपुलेशन अभी उतनी वेल प्रिपेयर्ड नहीं है हमारी इकोनॉमिक्स इन प्रोजेक्ट्स को उस तरह असिस्ट नहीं कर सकेगी उनकी कॉस्ट रिकवर करने में बड़ा आपको मुश्किल आ जाएगा अभी जो ये तो दो अच्छा एक बड़ा अहम सवाल है वो ये कि यू नो दैट जो पिछली सेंचुरी के मिड में सेजमिक एक्टिविटी की वजह से अर्थक्वेक की वजह से बलूचिस्तान में बड़ी मैसिव सतह के ऊपर तबाही हुई जिसकी वजह से आप पता है कि बलूचिस्तान बुरु, का जो हमारा दारकाफा है कोटा

फॉर्चुनेटली उसका हेडक्वार्टर भी कोयटा के अंदर है और ये उनको ए, इन चीजों को है प्रॉब्लम ये मेजर है बहुत सारे लोग है ले? लेकिन दो तीन ऐसे जैसे जियारत में आया फिर उस तरफ भी आया खारान में भी शायद शायद आया था शायद, नहीं जो जो आया। जी हाँ वही और ये सारे इलाके एक एक चीज में अर्ज करूंगा छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट है जी जी कि बलूचिस्तान को आज के बाद इस बजट के बाद बलूचिस्तान को पुअर कहना सब छोड़ दें It's an underdeveloped problem. Alhamdulillah, it's not a poor province. We are very rich. We have rich resources. Come and do business with us. Do business with us. Let us make money and let's do economic development ourselves. It's a very pleasurable issue, and, and I'm going to raise this. I'm going to make sure, like I was discussing with you earlier in the program, that we we'll also have some event on this. और ये बड़ा दुनिया भर के अंदर ये होता है हमारा एक बड़ा खूबसूरत सुबह है बड़ा बेहतरीन सुबह है आपका बहुत शुक्रिया सरदार शोक से था। था। प्रोग्राम पर तशरीफिन नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है अली नासिर को हमारी टीम पर जा दीजिए